एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अपनी माँ और बहन को लेकर मुंबई चला आया। सोचा यहाँ आने से सब ठीक हो जाए। अब माँ फिर से मुस्कुराने लगी है। दरअसल पिताजी के जाने के बाद वो तो जैसे जीना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो फिर से जीने लगी हम दोनों के लिए, हमारी खुशी के लिए। भैया। हाँ जी। स्कूल की फीस देनी है, कल लास्ट डे है। हाँ मुझे याद है, सर को बोलना कल मैं पक्का दे दूंगा, ठीक है? भैया पिछली बार भी आपने यही कहा था, फिर कब तक? कल मैं पक्का दे दूंगा, इस बात का बिल्कुल टेंशन मत ले। पक्का ना भैया? अरे पक्का दे दूंगा, और तू सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया कर। हर बार ऐसा होता है, फिर सर मुझे ही डांटते हैं। तू ज्यादा मत सोच बेटा, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। मम्मा आपको नहीं पता, मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाते हैं। विजय ने बोला है ना कल, तो हो जाएगा बेटा। हाँ पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट कर अभी तू, और जल्दी रखो, लेट हो जाओगी। विजय, विजय, आदिल भाई, वो मैं आपको कल तक पैसे दे दूंगा कुछ भी। अरे कल कल कल, और कितना कल होगा तुम्हारा? आदिल भाई आपको तो पता है ना, मतलब मेरी हालत कितनी खराब है। अरे तुम्हारा कंडीशन देख के मैं इतने दिन रुक गया था, आज कितना तारीख हो गया? 15 तारीख हो गया। हाँ मुझे पता है, वो आखिरी तारीख चली गई है, पर अब इस बार ना मुझे लास्ट चांस दीजिए, एक मौका। अरे हर बार तुम्हारा लेट होता है, हर बार लेट 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 का लोचा हो गया तुम्हारा। आदिल भाई बस एक मौका दे दीजिए बस। अब ये तेरा नाटक नहीं चलेगा, बहुत लोग खड़े हैं रूम लेने को, कल तक पैसा चाहिए वरना रूम खाली कर देना। अरे आदिल भाई, आदिल भाई, सोच रहा हूं क्या वाकई इंसान ने पैसे को बनाया है? मगर आज ऐसा लग रहा है कि पैसा ही इंसान को बनाता है। Thank you.
दूंगी सर, सर, सर। मैडम मेरी बच्ची को प्लीज, मैडम मैडम प्लीज सर। सर मेरी बच्ची भूखी है, थोड़ा सा कुछ दे देंगे प्लीज सर। सर सर सुनिए सर, रुकिए तो सर, सुनिए ना सर, थोड़ा सुन तो लीजिए सर। सर मेरी बच्ची भूखी है सर, सुबह से भूखी है, कुछ नहीं खाया उसने पर, सर मैं क्या मदद कर सकता हूँ? सर मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरी कुछ मजबूरी है सर। सर मुझे गांव जाना है, थोड़ी थोड़ी मदद हो जाती तो अच्छा होता सर। सर मैं आपके पैर पड़ती हूँ सर। सर ये आप रखिए, और पहले बच्ची को खाना खिलाइए, ऐसे भूखा मत छोड़िए। थैंक यू। हाँ अरे वो थोड़े पैसे लेने में देर हो गई, तू बस खाना बना मैं पहुँच ही रहा हूँ। हाँ मैं फोन रखता हूँ, तो फोन है। लाइफ भी बड़ी अजीब होती है ना, कब किसके साथ क्या होगा पता ही नहीं चलता। चल, चल, बोल रहा चल। मैंने बोला था ना मुझे इग्नोर मत करना, बदतमीजी। तू जो कर रही है, तू जो कर रही है वो क्या है? मैंने बोला था मुझे इग्नोर मत करना। छोड़ मेरे हाथ। मुझे नहीं जानती अभी तू, समझी? मुझे नहीं जानती अभी तू। क्या कर लेगा? हाँ क्या कर लूंगा, देख मैं क्या करता हूँ, देख मैं क्या करता हूँ। अरे छोड़ मुझे। अबे चुप, बंद कर इसका मुंह, बंद कर इसका मुंह, बंद कर। अरे अरे भाई क्या कर रहे हो, छोड़ो इन्हें। ओए हीरो मत बन, चल निकल यहाँ से। हीरो मत बन, हीरो मत। देखिए आप लेकर छोड़ दीजिए वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। क्या कह रहा है? पुलिस को फोन कर, पुलिस को फोन करेगा। निकल यहाँ से, निकल, हीरो मत बन, निकल यहाँ से। देखिए मैं सच में पुलिस को फोन कर दूंगा। पुलिस को फोन करेगा तू? अरे ये क्या कर दिया मेरा फोन? जा जा फोन लगा, मत मुझे इग्नोर करेगी, मत मुझे इग्नोर करेगी, मत मुझे। मेरे को थप्पड़ मारेगी, मेरे को थप्पड़ मारेगी तू। क्या कर रहे हो ये? भाई अरे यार भाई वो मर जाएगा वो, क्या किया तूने भाई? चल प्लीज, चल 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 भाई चल। माँ। हाँ बेटा। इतना टाइम हो गया, भैया अभी तक क्यों नहीं आए? अभी तो बात हुई थी बेटा, रास्ते में होगा, आ जाएगा।